नंबर टू चंद्र क्वीन, तो अब ये पूरा इमोशन सेंटीमेंट है ना, सॉफ्ट स्पोकन वगैरह वगैरह, मदरली इंस्टिंक्ट, क्योंकि नंबर टू इज ऑल्सो अबाउट मदर है ना, दे लाइक इमोशन सेंटीमेंट इमेजिनेशन, ये अट्रैक्टिव लोग होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ग्रेशियस चार्मिंग, इंट्यूटिव पावर, व्हाई? बिकॉज माइंड इज इन्वॉल्व, मन इज इन्वॉल्व, तो एक नंबर ये आत्मा से जुड़ा है, इट इज द सोल, टू नंबर इज योर माइंड, इट इज ऑल अबाउट माइंड. तो पीपल हु आर लुनेटिक, पीपल हु हैव इमोशनल इश्यूज, पीपल यू नो समवेयर वेयर देयर मेंटल बैलेंस इज इम्बैलेंस, द नंबर टू ऑलवेज मे बी इफेक्टेड, ऐसा हो सकता है. मूड स्विंग्स है ना, बहुत लोगों को वी हैव गॉट टू नो दैट ऑन द पूर्णिमा एंड अमावस्या डेज, यू नो ऑन द फुल मून एंड न्यू मून डे, यू नो मैनी पीपल आर गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द मून, यू नो द फोर्सेज ऑफ द मून, बिकॉज द मून हैज पावर एंड इट कंट्रोल्स वॉटर ऑन द एंटायर ग्लोब, हमारे जो ग्लोब में, तो नॉट ओनली देन ऑन द ग्लोब, इट इज द वॉटर इन साइड अर्थ, बिकॉज द अर्थ इज 70% वॉटर, our body is also 70% water, and therefore the moon's magnetic current has an effect on our mind, on our body, because we are 70% water. तो पॉजिटिव ट्रेड्स जैसे टिक टैक्ट होना, डिप्लोमेसी, उनके माइंड फ्लक्चुएट रहते हैं, ये हेल्पिंग नेचर के होते हैं. पावर बिहाइंड द थ्रोन, यानी कि क्या, जैसे वन नंबर किंग का है, तो उस किंग को बहुत बार चलाने वाले नंबर दो होते हैं, यानी कि उनकी वाइफ, यानी कि क्वीन. ओके, डोंट गेट प्रॉपर एप्रिसिएशन इन लाइफ, नंबर टू पीपल को कभी भी एप्रिसिएशन लाइफ में नहीं मिलता है, कम मिलता है, दे ऑलवेज गेट वेरी लेस एप्रिसिएशन, देयरफॉर नंबर टू पीपल मस्ट नॉट गो ओनली फॉर एप्रिसिएशन, इफ इट हैज टू कम इट विल कम नेचुरली. And if you run after it, then all that mood swings and all those emotional dramas will come up. They are desires of peace. You know, they are loving people, peace loving people. They are world peacemakers. And you know, सिर्फ घर पे ही नहीं, वो चाहते हैं कि पूरी world peaceful हो. Do not expect any return for their efforts. हमारी जो mother है, you know, वो भी कभी अपने बच्चों से कि पूरे घर से फैमिली से कभी ऐसा रखती ही नहीं कोई इच्छा कि ये मुझे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देंगे, ये कुछ अच्छा कहेंगे. अगर मैंने आज कोई अच्छी डिश बनाई, इफ आई मेड अ समथिंग न्यू डिश और अ गुड डिश, तो मे बी आई माइट गेट टोकन ऑफ. बाजना करियो मासिन, मासिन लागी नहीं बाजू, प्लीज प्लीज म्यूट एवरीवन, प्लीज म्यूट, देयर इज अ बैकग्राउंड वॉइस कमिंग अप एंड इट विल गेट रिकॉर्डेड, प्लीज. And everyone, please mute. Aur of PI, mera pure flow ko bhi thoda break kar dega. Yeah. A lack of ambition, procrastination, over passiveness. To kabhi kabhi ye log inward nature ke bhi ho sakte hain. Jaise one number wale outward nature ke zyadatar hote hain. Wo zyadatar time pe hi kaam karenge. Jaise jo sun hai hamara, and ek time pe wo aa hi jata hai. कुछ भी होने दो, संडे होने दो, सैटरडे होने दो, ऐसे नंबर वन वाले लोग भी ऐसे होते हैं. उनके लिए कोई संडे नहीं होता है, कोई मंडे नहीं होता है, अपने टाइम पे उठना, अपने टाइम पे काम करना. लेकिन नंबर टू पीपल, एवरी डे द मून टाइमिंग इज डिफरेंट ऑफ मून राइज एंड मून सेट. सेम वे दिस पीपल कैन बी मूडी इवन टू वेक अप एंड गो टू स्लीप. इट इज अ नंबर दैट प्रेजेंट्स ग्रेट पॉसिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट, but this possibilities may be wasted through failure and through failure, kyunki ye log thoda because of emotional sentimental ye hai na start karne ke liye to maybe kuch cheez start kar denge kyunki wo josh mein thoda aa jayenge lekin fir wapas kahin na kahin wo red jayega. If negative, then out of way they want to be leaders. Ab negative trait kya hoga do number ka, कि अब वो चाहते हैं कि मैं लीडर बनूं, नंबर वन को हटा दूं, मैं ऊपर आ जाऊं. ऐसे बहुत स्टोरीज भी आपने देखी होगी, अपन कहीं ना कहीं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, बिकॉज दे नेवर गेट एनी कंफर्ट.